मैं सिर्फ 20 महीने वापिस कर दूंगा, मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझे माफ कर दो गांव वालों। मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा था, अभी उसके लिए कर रहे हैं ना। गांव वालों मैं सबकी जमीनें वापस कर दूंगा, मुझे माफ कर दो गांव वालों। यही था ना? ओके, ये ले लेते यहां से, जहां से रह गया था ना। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझे माफ कर दो गांव वालों। उसके बाद कोई जवाब करेंगे फिर आ लग जाएगी गोली, गोली लगेगी ना मेरे को यहाँ पे, जब गोली लगेगी तो वहाँ पे आ। हाँ, जब यहाँ इधर रिएक्शन देगा। हाँ, वो रिएक्शन देख के कहूँगा। वो क्या था वर्डिंग था कि गांव वालों मुझे माफ कर दो ना। हाँ, गांव वालों मुझे माफ, गांव वालों मुझे माफ कर दो। चलो जी, सुन लेते हैं। हाँ, सुन लो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा गैप देके फिर मेरे को वो गोली कितना लग जाएगी ना। उससे क्या होगा कि फिर वो बैलेंस बन जाएगा ना, जो डायलॉग पूरा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, मेरी फिल्म की डबिंग चल रही है, बताऊंगा बाद में। मैं सभी जमीनें वापस कर दूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गांव वालों। यही ना, मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझे माफ कर दो गांव वालों। बस ठीक है, ले सुनिए भाई जी। हेलो, हाँ जी भाई जी, ना वो तो फिर गांव पड़ोस में मेरे पास जाने के लिए कराया भी नहीं भाई। तो मेरे को कैश ही देता ना। एटीएम है कोई सिस्टम? एटीएम नहीं है, पेटीएम है। एटीएम पेटीएम कैश कैसे निकालोगे तुम लोग, उससे पूछ। हां जी ठीक। हां, उसके पास है अंबुज, तो मेरे पास ही उसके पास होगा, तो उसको करा दे। माल करो भाई, आपसे बोल, अभी नंबर दे देते हैं, सूरज के नंबर पे करा दो। जी सर। अगर मेरे अकाउंट में ना जीएसटी लगती है किसी भी अकाउंट पे, हां वरना जी किसी को ट्रांसफर हो जीएसटी कर दो। दोस्तों देखो, मेरा क्लाइमेक्स ते आ गया शो, ये मेरे राज भाजी ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਜਲਾਨੀ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕਾਰੀ ਕਦਮ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਊਡਾ 63 ਬਲੋਕ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਮੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਨਿਊਡਾ 63 ਬਲੋਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 165। और तुम ऊपर आओगे तो बालाजी फिल्म प्रोडक्शन लिखा जाएगा, तो तुम राज भाजी ये ओनर ने इस कंपनी के, और अंबुज एडिटर ने बड़े अच्छे, और मैं भी, हम तो सबके सहयोग के लिए बैठे हैं, आप लोगों के प्यार से ही कि ना ये सारे काम हो रहे हैं। और मेरी आज डबिंग थी फिल्म की, और पाजी के प्यार के सदके बहुत जल्दी आपको देखने के मिलेगी फिल्म द रियल कमांडो 22, बहुत जल्दी आपको देखने को रूबरू मिलेगी, जिसमें गुंडागर्दी करते हुए और डबल करेक्टर नेता का भी, विधायक का भी, और भी बड़ा कुछ मटेरियल है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, प्यार है, रोमांटिक है, मतलब समझ गए ना भाइयों, बिल्कुल मस्त फिल्म है, देखने का जरूर। तो मैं जल्दी आपको अपडेट देता रहूँगा, मेरे विजय भी हैं यहाँ पे, वो दूर से कैमरे में देख रहे थे, तो उनको भी मनवाता हूँ आपको। तो राजपा जी, क्लाइमेक्स का लास्ट से नहीं कहूँगा, पर नेक्स्ट टाइम फिर भी मिलते रहना जल्दी ना, अगली बहुत जल्दी अगली फिल्म चप्पा मिल रही है। और तुम मैं उस फिल्म का पूरी मेकिंग शुरू तो लैके एंडिंग तक विद न्यूज़ के माध्यम से, मेरी अंबाले जोड़े भी है चंडीगढ़ से प्रेस न्यूज़ ने, डेली अपडेट होंदा रहेगा उधरों भी, तो मेरी तरफों भी, मेरे चैनल तो भी, और भाजी के फेसबुक तो भी, चैनल तो भी न्यूज़ तुम मिलती रहेगी, अपडेट मिलती रहेगी फिल्म की, और हरेक एक्टर ना तुम गलबात भी कराई जाएगी, उन्होंने रूबरू होगी सारी गलबात। तो
तो वो क्योंकि पता क्या मजा तो ही आता ना जो आप एक रूबरू गल करते हैं। तो देखो भाजी मेरे वगर ही है, मेरे छोटे ब्रदर ने तो तुम इदा ना बने हो, मैं तो बस गुंडा लोगों के करके बनता वा। तो चैनल में देखना ना भुलना बालाजी फिल्म प्रोडक्शन, और चैनल लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तो सबसक्राइब करते हुए ना एक आईकॉन बैल लगी टंग करके बजा दौ कि थानू पता लग जाए कि ढेर सारा प्यार करते। ही के एस बी इंटरटेनमेंट तुहाडे भरा दा चैनल हैगा, तुहाडे अजीत दा, तुहाडा हर दिल अजीत ते अजीत ते दोनों ही हुंदे आ, लेकिन कहिंदे आ समझदार नूं इशारे बहुत है कि तुसीं दोनों चैनलों नूं लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल सबसक्राइब करो, टंग करके एक बैल मार दिओ, सानूं पता लग जाएगा कि साडे किसी ने याद किया असीं, ताकि अच्छी अच्छी फिल्मां दईए, अच्छे अच्छे कमेंट करदे होए तुसीं सानूं दिंदे हो, तो सानूं होर जोश आता है कि आपां कुछ नवां करके दईए। क्योंकि जिहड़ी स्वीतरी एक फिल्म है, वह लेडीज़ एक जिहड़ी अज दी परिवारिक फिल्म है, और मैं पूरी फिल्म के बारे नहीं दसूँगा, तुहानूं एक सस्पेंस दस रहा है कि वह फिल्म देखने वाली होएगी, और जिहड़ी भाजी ने एक स्टोरी के उपर काम चल रहा है, मतलब एक अलग हट के ही कहना वो एक जरा टाइटल भी रखे सवित्री, और लड़की और एक लेडीज क्या क्या कर सकती है उस फिल्म के ऊपर तुम्हें देखने को मिलेगा। बहुत भावना भी है और सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, एक्शन भी हैगा, लेकिन देखना जरूर। सवित्री भी बहुत जल्दी तुम्हें दे रहे हैं, बहुत जल्दी आप एक हसीन वादियाँ शूट कर जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें अपडेट दिता रहूँगा भाजी ना मेरे लग्या रहा गलबात होती रही साड़ी। तो आप हूँ मेरा अज क्लाइमेक्स का आप डबिंग सी, मतलब दो दिन तो ही भाई डबिंग चली है ना, तो अज मेरा दो थरा दिन से, तो मैं अज डबिंग पूरी कंप्लीट कर चलिया, तो जाते जाते तुहाडे नाल फिर भी रूबरू होना मेरा जरूरी सी। तो मैं मिलांगा चंडीगढ़ कल, मैं हो सकता कि चल कल तुहानू चंडीगढ़ च ही मिला, तो मेरे बहुत ही एक अजीज़ ने पत्रकार उन्होंने मेरी इंटरव्यू भी लैनी हैगी है, तो उस मैं जरूर तुहानू रूबरू मिलांगा, मैं लाइव होकर तुहानू भी कहना हुंदा। तो भाई दोस्तों प्यार वंडो, दुश्मनी नफरत ना वंडो, क्योंकि दुश्मनी नफरत बहुत खराब जी होंगी है, तुसी प्यार दे सदके अगे वधदे हो। तो नशे तो भरा मैं हाथ जोड़ी बेनती कहूँगा नशे तो दूर रहो, क्योंकि नशा एक ऐसा है कि बंदे नूं पागल कर दिंदा, मैंटल कर दिंदा। तो मिस्टर अंबुज कुछ कहना चाह रहे थे, कहिंदे जी मैं ब्याह कराना वा, तो की करना चाहिए अंबुज बारे? अंबुज भाई ब्याह कराना है? नहीं नहीं मुझे ब्याह नहीं करना है। अच्छा ब्याह नहीं करना, कहते हजे चार पांच नोट नहीं सॉरी मतलब नोट जोड़ने हजे काफी सारे, मतलब कहते ने पत्नी नूं फिर खर्चे कुछ रखना पैंदा। मैं कमेडी करता रहना, फनी करता रहना वा, तो मिलते हैं, मैं एक लास्ट टेक रह गया, मैं उस तो बाद तुम्हें मिलता है, बस आप वेट एंड वॉच देखते रहो, मैं एक टेक दे रहा, ठीक है? ये राज भाजी मेरे ना तैयारी देखो कि कमर कसी हुई है कि भाजी मैं टेक दे देव। चलो जी आओ जी, यहाँ था क्या था हमारा, गोली बजेगी मेरे, राइट? चलो आओ जी, ये एडिटिंग टेबल है डबिंग, जिथे फिल्म की डबिंग होंगी फिल्म की, ये उस जगह क्योंकि थोड़ा जो ब्रेक लग रही है थोड़ा चेक कर रहे पे ना उन्होंने, क्योंकि मैच करते आप, मैच करने तो बाद फिर आप एक डायलॉग बोली दा, ताकि लिप्स और मैचिंग करके उस तो बाद फिर एडिटिंग से जुड़ती है। हाँ जी क्या था? मुझे माफ कर दो, उसके बाद गैप फिर था गोली बजी, मुझे माफ कर दो गाँव वालों। हाँ जी मुझे माफ कर दो गाँव वालों, उठा आ गया आ आना था। चलो वो आप बाद में ले लेंगे, पहले इसको मिला लो। हाँ पहले ये मिला लो, आ वाला बाद में मार लेंगे, उठा मैं अपनी तरफ से गोली बजी, तुमने बोला ना उठा तुम बोल रहे ना उठा, और फिर आ निकलती दिल से आ निकलती है सिसक सिसक है, मुझे माफ कर दो गांव वालों, आ आ बोलना यहाँ पे ना, आ यहाँ गोली बजेगी तो फिर बोलना ना, आ यहाँ पे आप बोल देना, बाकी पिछला ठीक है, चलो काट दो पहले, मुझे माफ कर दो गांव वालों, आ एक बार सर अभी लिया नहीं था, लिया नहीं था, दोबारा ले लो गोलियां जितनी मर्जी मरवा लो, ये इसको देख के सर ऐसे बोलिएगा। अच्छा एक मिनट पहले देखिए आप बोले हैं कि क्या बोले, आप बोले हैं, चले करें चले ठीक, बस
जय माँ काली का भी है बीच में शायद, आखिरी में है भाई, आखिरी में वही बोल के फिर मैं मरता हूँ, फिर मेरा लास्ट में खत्म है ना मरने का। दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता, आप देखते हो हमें, आप प्यार देते हो, कमेंट देते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो उसकी वजह से हम जोश डाल के आगे और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बस यहाँ से रहते हैं, लेकिन यहाँ इसको रोने वाला इसका रहेगा, आपका कुछ रिएक्शन नहीं है, बस जय माँ काली ले लो बस, है ना, जय माँ काली से ही करते हैं बस। क्योंकि वो रोने का तो आएगा, जय माँ काली, एक बार मैच करके देखो, नहीं तो दोबारा देता हूँ, मेरे को लग रहा थोड़ा सा डाउन पिच हो गया, पर मरते मरते डाउन पिच हो गया नहीं, वो तो डाउन तो रहेगा ही, पहले हिट में जाएगा, जय माँ, यहाँ से जय महाकाली, जय महाकाली, और हम मैच, जय महाकाली, नहीं थोड़ा सा लो हो गया, हाँ दोबारा से लेते हो, चले, जय महाकाली, ओ आप बाइक पे, नहीं सर, सर की बाइक है सर, फिर छोड़वा देंगे सर, हाँ मेरे को छोड़वा, बट ये मिल गया ना, हो गया मैच, हो गया, एक बार चेक करा लो राइबर करा दो सारा, है ना, हो गया, जो मेरा लास्ट वाला ना वो बुरा कीजिए, एक बार चेक करा लो भाई, मैं स्पॉट पहले मार देता हूँ, पहले पाजी को एक बार चेक करा लो, फिर बाद में स्पॉट मार लेना, पाजी को एक बार चेक करा लो, है ना, करना पड़ेगा तेरी।